कहे हाँ राधा ने हमको पूर्ण रूप से कृपा की। ऐसे ही थे पहले तो गृहस्थ जीवन में थे, गृहस्थ आश्रम लोकलीला गृहस्थ आश्रम स्वीकार किए हैं, लेकिन आश्रम में मन नहीं है था उनका। बस तीर्थ 50 साल के बाद उनका मन में विरक्ति आ गई। 50 साल तक तो संसार जीवन में थे, उसके बाद ही विरक्ति आ गई। समस्त तीर्थ पर्यटन अकेला अकेला तीर्थ पर्यटन करते थे, कभी किसी को साथ लिया, बड़ा उदासीनता आ गई। हिमालय में गए, हिमालय में एक बार गए हैं नारायण सरोवर देखने के लिए। हिमालय में आसाम के उधर हम तो गए नहीं है, आसाम के उधर नारायण सरोवर नाम के एक सरोवर है, वहाँ बहुत साधु संत रहते हैं, बड़े बड़े योगी ऋषि उधर रहते हैं। तो चलते चलते जंगल की रास्ता चलते चलते जंगल का रास्ता गहरा जंगल, संध्या हो गया, कोई लोग जन नहीं है, जन मन अब सुन्न, रास्ता भी पता नहीं चल रहा, अंधकार है। अभी से मान लो 70 साल पहले की बात है, 70-80 साल पहले की बात है, जंगल का रास्ता, आप बहुत घबरा गए भाई, कहाँ जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, उत्तर दिशा ना दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा ना पूर्व दिशा, हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा, बड़े घबरा गए। घबरा करके ठाकुर जी को याद किए, प्रभु रक्षा करो, हम तो भटक गए रास्ता। तो अचानक देखते हैं जंगल में एक लालटेन लेकर के, लालटेन है ना, लालटेन लेकर के कोई जा रहे हैं। सोचे एक आदमी जा रहा है, चलो उनके पीछे पीछे चलो, उनके पीछे पीछे चल दिए। तो लोकालिटी का ही लोकालय जहाँ है वहाँ तो जाएंगे, चलो उनके पीछे पीछे चलो। कुछ दूर जा करके लालटेन अदृश्य हो गया, अरे अदृश्य हो गया, अब कहाँ जाऊं, जो दिख रहा था अभी दिखता नहीं है। तो सामने देखते हैं एक पुराना मंदिर, तो सोचे हैं मंदिर जब है तो जरूर यहाँ कोई लोक बसती है यहाँ, तो सोचे हैं आप रात को हम कहाँ, लोक बसती कहाँ है, पहाड़ी इलाका यहाँ कहाँ लोग बसती, कहाँ ढूंढेंगे जंगल में, फिर दोबारा कहीं भटक जाएंगे, चलो इस मंदिर में आज रात्रि निवास करो, फिर सुबह उठ के फिर जो भी हो दिन में ढूंढ डर के जैसे भी हो कुछ व्यवस्था करके तो मंदिर में बैठे, बड़े भूखे प्यासे। अचानक सुनते हैं कोई पाँव में पायल पहने हुए चुम 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 करके कोई मातृ जाति कोई आ रही है, कौन आ रही है जंगल में है। तो पूरी तो टूटा फूटा दरवाजा बंद करके रखे थे, बुलाए दरवाजा ठकठकाए, दरवाजा खोले, बोले बाबा तुम कौन हो, बोले हम तो ऐसे पथिक है, राहगीर हैं, हम रास्ता भटक गए, अब क्या करें, इसीलिए माँ हम यहीं पर आश्रय लेकर रात्रि निवास के लिए यहीं पर हम अवस्थान कर रहे हैं। अरे बढ़िया है, रात को कहीं नहीं जाना, यहाँ जंगल के रास्ता है अच्छा नहीं है, दिन में कहीं तुम चल जाना ढूंढ लेना, हम तो यहाँ खाना लेके आए हैं, कोई यहाँ राहगीर कोई आ जाती है तो जाके उनको खाना पीना उस प्रसाद की व्यवस्था हम करते हैं, तो ये लो तुम प्रसाद पा लो। तो बड़े उपाद और सामग्री थाली भर के उनको दे गए हैं, तो इसको तुम रख लेना, हम सुबह ले जाएंगे। तो वहाँ पानी भी दे गए, तो बड़े अद्भुत स्वाद प्रसाद के, बड़े तृप्ति से प्रसाद पाए हैं। फिर वो मैया कहाँ अदृश्य हो गई, तो
ठाकुर जी सोचे तो मैया जरूर आएगी, सुबह होते ही आएगी जरूर थाली लेने के लिए। वहाँ सोए थे, सो गए रात को, सुबह उठते ही देखते हैं जंगल का रास्ता कोई है नहीं, थाली लेने भी कोई आए नहीं। समझ गए साक्षात भगवती देवी बाबा को प्रसाद पहुँचे। फिर ऐसे ढूंढते 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 दिन में नारायण सरोवर तक पहुँच गए। वहाँ एक बौद्ध सन्यासी, उनके पास जा करके जी ये सन्यासी हैं, ये तो साधु हैं, चलो इनसे कुछ ज्ञान ले लेंगे, उनके बहुत सेवा किए हैं। सेवा करने के बाद उनके दिखते योग विभूति बहुत शक्ति सामर्थ्य महापुरुष है, त्रिकाल दृष्टा है, तो कब कहे आप हमको दीक्षा दीजिए। बोलता है हम तुम्हारे गुरु नहीं हैं, तुम्हारे गुरु है वृंदावन में, तुम वृंदावन में जाना, तुम हमारे बहुत सेवा किए, हमारे पास रहे, हमको अच्छा लगा तुमको, तुम बहुत अच्छे हो, अच्छा आधार हो, समय पर तुमको सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी, तुम भगवत प्राप्ति कर लोगे, लेकिन अब यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ रहना नहीं, तुम्हारा बहुत सारे काम है, तुमको लौट के जाना है। तो बोलता है तुम हमसे कुछ मांगो, दीक्षा तो हम दे नहीं सकते क्योंकि गुरु निर्दिष्ट है, तुम्हारा गुरु हम नहीं है, हम तुमको दीक्षा नहीं दे सकते, तुम्हारा मार्ग भी यहाँ नहीं है, अलग मार्ग है। तो गुरुजी कहते हैं देखिए हम लोग गोसाई हैं, गोस्वामी आचार्य वंश हैं, हम लोग उनको शिष्यों के घर जाना पड़ता है, दीक्षा देना पड़ता है, कुलगुरु प्रथा ऐसे बंगाल में उधर है, कुलगुरु गुरु परंपरा, जो गुरु है उनके बेटा है वो फिर उनके दूसरा जेनरेशन को दीक्षा देंगे, फिर उनके बेटा फिर उसके तीसरी जेनरेशन को दीक्षा देंगे, इस तरह से गुरु परंपरा। उन्होंने गुरु परंपरा हमको तो गुरु गिरी करना पड़ता है, हमको तो दीक्षा देना पड़ता है, शिष्य के घर जाना पड़ता है, ज्ञान तो कुछ है नहीं, तो आप कृपा कीजिए कि हमारे अंदर शास्त्र ज्ञान स्फुरित हो जाए। तो कहते हैं जाओ तुम्हारे अंदर समस्त शास्त्र स्फुरित हो जाएगा, जब जैसे चिंतन करोगे तुम्हारे अंदर शास्त्र ज्ञान स्फुरित हो जाएगा स्वाभाविक। गुरु जी पास क्लास तक पढ़े हैं 5 हैं, लेकिन जब प्रवचन देते थे ना बड़े बड़े पंडित बैठ करके सुनते थे, कहाँ के शास्त्र शब्द, कहाँ कहाँ से श्लोक, ये पुराण वो पुराण वो पुराण, भगवत पुराण ब्रह्मांड पुराण आदि पुराण श्लोक उच्चारण करते, अरे ऐसे सुंदर भाषा, हम तो गुरु जी का जो प्रवचन सुने हैं ऐसा प्रवचन तो हमने कहीं सुने नहीं ऐसे। तो वो जो महात्मा का सेवा किए हैं उनकी कृपा से बाबा सब पूर्ण शास्त्र को शास्त्र ज्ञान संबंध में परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त किए गुरु जी। फिर आए हैं, आकर के नवद्वीप में कुछ दिन रहे, नवद्वीप में रह करके अब मन व्याकुल हो गया, संसार में मन नहीं लगता है, अब भजन करना है, भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं, ये शरीर रहते रहते अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो जाके बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। और ऐसे भी शास्त्र में है पंचाशूर्ति बनंग ब्रजित, शास्त्र में निर्देश है 50 साल के बाद उसको घर में रहने का अधिकार है नहीं, क्या करना चाहिए ना जंगल चले जाना चाहिए। ये हमारे वैदिक शास्त्र जो है चतुराश्रम ब्रह्मचर्य गार्हस्थ 50 साल तक, फिर वानप्रस्थ में जाना जरूरी है, वानप्रस्थ। तो गुरु जी चिंता किए तो 50 साल तो हो गया और थोड़ा सा ही समय बचा है, इस समय के अंदर इस जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो बहुत भारी भूल हो जाएगा, ना जाने संसार चक्र में बह करके माया जाल में फंस करके कहाँ से कहाँ कौन तरंग में बहा करके काल चक्र में कहाँ पहुँचा देंगे कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं, जो आगे हमारे लिए सुंदर एक मानव जीवन मिलेगा और हम वैराग्य लेकर के भजन करके भगवत प्राप्ति करके संसार से मुक्त हो जाएंगे। बोलते ऐसा दुराशा का मंत्र में तो मोहित नहीं होना,
कोई गारंटी नहीं काल चक्रो माया कहाँ से कहाँ ले जाएगा। इसीलिए शरीर रहते रहते ही इसी जन्म में कैसे भी हो संसार चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए जी जान दे करके। यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, और कोई बुद्धिमत्ता है नहीं। तो गुरु जी सोचे कि अब हमको जाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। वृंदावन चले आए। आई है गोवर्धन में सिद्ध बाबा थे, सिद्ध मनोहर दर बाबा, उनके शरण में आए हैं भजन शिक्षा करने के लिए। तो उनके सान्निध्य में रह करके भजन शिक्षा प्राप्त किए हैं, लीलास्वरण आदि जो गौरी वैष्णव जगत की जो आराध्य आराधना के जो विषय वस्तु है इस संबंध में सिद्ध बाबा से ज्ञान लिए हैं, ज्ञान प्राप्त किए हैं। अब मन हुआ जो हम भजन करेंगे, तो भजन करने के लिए सोचे हैं। तो गृहस्थ अवस्था में तो भिक्षावृत्ति करना, कहीं जाना, ये एकांत में रहना गृहस्थी के लिए ठीक नहीं होता है। तो चलो वैराग ले लेंगे, वैराग लेना ही ठीक है। तो सिद्ध बाबा से प्रार्थना की आप हमको वैराग दे दीजिए, वेश प्रदान कीजिए। तो आचार्य वंश होने के कारण सिद्ध बाबा बोलते नहीं, ये हम दे नहीं सकते, तुम्हारे गुरु हम नहीं बन सकते, क्यों तुम आचार्य वंश हो, गोस्वामी हो, इसीलिए हम तुमको शिष्य नहीं बना सकते हैं। तो और हम बड़े बड़े महात्मा थे उस समय ब्रज में, उनके सान्निध्य में गए हैं, जे आप लोग कोई भी हो हमको वेश प्रदान कीजिए, वेश दीजिए, हम एकांत में रह करके भजन करेंगे। तो आचार्य वंशज होने का कारण किसी ने गुरु जी को वेश देने में आग्रह नहीं किए है, नहीं हम तो नहीं दे सकते हैं, आप तो हमारे प्रणम्य है, आप तो हमारे वंदनीय है, आप हमारे गुरु स्थानीय है, ऐसा काम हम नहीं कर सकते, आपके गुरु हम नहीं बन सकते। तो क्या करेंगे, फिर गोवर्धन के गोविंद कुंड के जो सिद्ध बाबा मनोहर दास बाबा, उनका एक कौपीन लेकर के चंद्र सूर्य को साक्षी करके दंड कमंडल लेकर के स्वयं वेश ग्रहण किए, वेश ग्रहण करके जंगल जंगल तीव्र भजन किए। जब समय कम है, समय के इंतजार मत करो, ये समय बड़े कीमती है, मूल्यवान है। एक एक क्षण हमारे मानव जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है, सबसे कीमती चीज है समय। ये समय सबसे कीमती है, इसको एक एक पल एक एक क्षण बड़े आदर के साथ इसको व्यवहार करना चाहिए, परमार्थी के लिए चेष्टा करना चाहिए। इंतजार नहीं करना है, इंतजार करने से तुम थक जाओगे, तो पीट जाओगे, क्यों समय किसी का हाथ में आया नहीं। टाइम एंड टाइम डोंट वेट फॉर नन, किसी के लिए इंतजार करता नहीं है समय। समय और नदी प्रवाह, इसीलिए समय का इंतजार मत करना, वर्तमान को काम में लगा, एक एक पल एक एक क्षण ज्यादा से ज्यादा जितना अधिक से अधिक समय हो भगवत भजन में व्यतीत करना चाहिए। तो गुरुदेव जंगल जंगल में एकांत में जाकर के उस समय आदिबद्रीनाथ बहुत गहरा जंगल था, ये मंदिर अभी आदिबद्री में जो देखते हैं ना, मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था। हम ही जब 40 साल पहले आए थे तो आदिबद्री टूटा फूटा मंदिर था, टूटा फूटा छप्पन ना, बहुत पुराना मंदिर था, छोटा सा, रहने का कोई स्थान भी नहीं था, कोई कुंड तो था लेकिन ऐसा कोई रकम टूटा फूटा था, मने गहरा जंगल, संध्या के बाद तो वहाँ कोई जाता ही नहीं था, जाने का रास्ता भी नहीं था ऐसा। वहीं पर एक टूटा फूटा कोठी में गुरु जी भजन करते थे, और गहरा जंगल, शेर भालू सब विचरण करते थे संध्या के बाद, रात को सोते नहीं थे, निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए थे हमारे राम जी। हमने कभी गुरु जी को सोते नहीं देखा, हम गुरु जी के सान्निध्य में रहते थे, गुरु जी के पास शयन करते थे, गुरु जी के सेवा में हमको रखे थे, हमने कभी एक मिनट के लिए गुरु जी को सोते नहीं देखा,
निद्रित अवस्था में नहीं देखा, जब विजय प्राप्त कर लिए घर्षण भजन एकांत में जंगल में भजन कर रहे हैं। एक दिन उस समय तो घड़ी घड़ी थी नहीं, घड़ी जो समय देखने का, तो समय देखने का एक ही उपाय था, नक्षत्र जो है आकाश में जो तारा है उसके अवस्थिति देख करके समय निर्धारण करते थे, माने यहाँ से यहाँ गया इतना दूर गया है तो इतना बचता है। ऐसा पहले की ऐसा ही है, जो जब बहुत पुराना समय में घड़ी उड़ी जब थी नहीं तो तारका राजी के उसकी अवस्थिति देख करके समय निर्धारण करते थे। तो ऐसे गुरु जी उठ गए हैं रात को, कितना बचता है कोई ठिकाना नहीं, अंधकार घनघोर अंधकार गहरा जंगल, कमंडल कर सोचे हैं कि अभी स्नान धान करके भजन में बैठ जाएंगे। थोड़ा निकले हैं, देखते हैं दो तारा जैसे जल रहा है, जानवर जैसे सामने ठाड़ा है, भाई कौन है भाई सामने, और वो तो टकटक लगा करके दिख रहा है, अंधकार है ना जो आग चलता है, शेर है ना, एक शेर आ गया, भयंकर एक जंगली शेर आ गया। तो गुरु जी तो कमन डोल लेकर हुस हुस कर रहा, वो भागता ही नहीं, सामने ठहरा है, हैं? फिर कुछ समय ठहरा होकर के वो भाग गया, छलांग लगा करके जंगल में, तो दिखता जो अरे बाबा विशाल एक शेर है, शेर भी भूल गया, हिंसा भूल गया, गुरु जी वो देख अरे बाबा ये तो शेर कैसे ना जाने हमको छोड़ दिया। सामने आकर के शेर, गुरुजी खुद अपने मुख से हमको सुनाए, जानते हो भी ना ऐसा हो गया, ऐसे एक शेर मिल गया। तो हंसते हंसते हमको मजाक से कह रहे थे, शेर ना हमको देख के भय पा गया, शेर भाग गया। फिर जाके शौच क्रिया आदि कर करके इस तरह से जीवन व्यतीत किए, जंगल कंदमूल आदि सब खाने का तो कुछ था नहीं, कोई व्यवस्था थी नहीं, इस तरह से गुरु जी आदि बद्री में फिर तपोवन में गहरा गहरा जंगल में तीव्र भजन किए, बहुत साल कई साल तक भजन किए, कितना बचते कोई ठिकाना नहीं। तो प्रेम सरोवर में थे, रात को एक दो बजे गुरु जी सोचते थे 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त है, 3 बजे जाकर के नहाएंगे, 3 बजे नहाना ही प्रशस्त है, उसके पहले असुर काल कहते हैं, 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक असुर काल कहते हैं, ये गृहस्थ लोगों के लिए साधु के लिए नहीं। तो गुरु जी सोचते हैं 3 बजे के लिए, 3 बजे के समय तक इंतजार करना चाहिए स्नान ध्यान करने के लिए। तो रात को 1 बजे कौन आके जगा देते थे, ए उठ स्नान करके भजन में बैठ, बाहर आके देखते हैं कोई नहीं, रोज ऐसा है, उठ ऐसे है महापुरुष लोग ना, ऐसे दैव शक्ति आकर के जगा देते हैं। फिर सोचे हैं जब ऐसे महापुरुष कोई जब अदृश्य दैव शक्ति जब हमको इस तरह से जगा रहे हैं तो स्नान कर लेना ठीक है। तो 1 बजे उठकर नहाते थे, 1 बजे उठ करके कुंडा में प्रेमेश्वर कुंडा में, उसमें जंगल था तो कोठी कोठी था नहीं, पर जंगल में रहते थे। फिर अभी तो बहुत आश्रम हो गया, सुदमा कुटी आदि ये तो हमारे सामने हो गया, हम जब आए तो उस समय जंगल था, गहरा जंगल था, उस समय कोई आश्रम था नहीं, हम जब 35-40 साल पहले आए थे तब ऐसा था, अभी तो बहुत सारे आश्रम हो गया, गुरु जी हम भजन किए हैं। ऐसे कई साल तक गुरु जी ने एक सेवक रहते थे उनके साथ, उनका नाम था अयोध्या दास पास, उनके ना हमारा इतना सौभाग्य हुआ नहीं, उसने बहुत परम संत थे, बहुत परम एकनिष्ठ गुरु सेवक थे, गुरु जी का सान्निध्य छोड़ के कहीं गए नहीं, हर समय 24 घंटा सेवा में रहते थे, तत्पर रहते थे, और उनका ऐसी सिद्धि आ गई थी वो अयोध्या दास, गुरु जी का प्यास लग गया, वो जान गए थे, जान जाते थे, बाबा आप पानी पियेंगे, हाँ थोड़ा सा प्यास लग गया है, पानी लेके हाजिर हो गए,
बाबा सोचते हैं थोड़ा शौच क्रिया के लिए जाएंगे, तो आके हाजिर है कमल पर, बाबा आप शौच जाएंगे? ऐसे ऐसे सिद्धि आ गई थी। ऐसे आज गुरु सेवा में, महत सेवा में बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे सेवा करके वो बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन अल्प उम्र में क्या जाने क्या हाजा जैसे हो गया और शरीर छोड़ दिया। प्रेम सरोवर में शरीर छोड़ दिया, गुरुजी बहुत दुखी हो गए। एकमात्र सेवक चले गए, अब कौन सेवा में रहेगा और उसका क्या गति हुई? तो भगवान ने राधा रानी के चरण में निवेदन किए, हे राधा रानी, ये हमारे बहुत सेवा किया है लेकिन इसका क्या गति हुई, समझ में नहीं आया। इसका तो भला हुआ नहीं, क्या हो गया, इसका क्या गति हुई? ऐसे राधा रानी चरण में प्रार्थना करके सो गए हैं। रात में राधा रानी आकर स्वप्न में कह रहे हैं, तो उसके लिए चिंता मत कर, वो तेरा पहले ही मेरे सेवा में वो पहुंच गया है। तेरा पहले ही वो हमारे नित्य सेवा में प्रवेश कर गया है। बहुत सेवा, अगर महापुरुष का सेवा करने का मौका मिल जाए तो किसी भी कीमत पर भजन छोड़ करके भी अगर ऐसे सेवा करने का प्रयत्न करें तो ये सर्वोत्तम उपाय है। ये सबसे उत्तम उपाय है, सरल उपाय है। बिना साधना, बिना जप तप उपासना, एकमात्र उनके प्रसन्नता से, उनकी कृपा से समस्त प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। तो ऐसे तो गुरु कृपा प्राप्त किए हैं गुरु जी, लेकिन मन में बड़ी अशांति, कोशिश कर रहे हैं दिन नहीं रात नहीं, रात में निद्रा नहीं। हम गुरु जी के पास अंतिम समय में गुरु जी के सान्निध्य में रहते थे जंगल में, सारे दिन उनके साथ ही रहते थे जंगल में एकांत में, कभी हमने निद्रित होने नहीं देखे हैं, एक मिनट के लिए कभी सोते नहीं देखे हैं, जो अभी सो रहे हैं बाबा निद्रा जयी, इतना कठोर साधना किया है, निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन इतना तीव्र साधन करते हुए भी दिन में एक बार कोई थोड़ा सा फलाहार, फलाहार तो सारी जीवन ही बाबा ग्रहण करते थे, अन्न तो त्याग दिए हैं, घर छोड़ने का बाद गुरुजी ने अन्न त्याग दिए थे, फलाहार ही लेते थे और वो भी दिन में एक बार थोड़ा सा। हम भी जब गुरुजी के साथ रहते थे सिद्धावस्था के बाद, गुरुजी के जब साधना पूर्ण हो गई, जब कृपा करने के लिए विचरण करते थे, उस स्थिति में हम उनके सान्निध्य प्राप्त करने का मौका मिला है, उनकी कृपा से ही उनका सान्निध्य प्राप्त किए हैं, उनकी कृपा से, हमारी चेष्टा से नहीं, हमारी सुकृति से नहीं, उनकी अहित कृपा से। तो देखे हैं सारे दिन में संध्या के समय एक बार ये थोड़ा सा कोटू चून के आटा के रोटी, इतना जो पूड़ी होता है ना, पूड़ी उसका भी आधा पतला, ऊपर का जो पतला रहता है ना, वो पतली पतली थोड़ा सा दो टुकड़ा रोटी लेते थे, थोड़ा सा सब्जी, बस हमारे तो एक बार मूंग में आ जाएगा जितना गुरु जी लेते थे। ऐसे करके जीवन धारण करते थे, क्या जाने, थोड़ा सा सुबह थोड़ा सा दूध लेते थे, यही छटक भर कि दो छटक ऐसे दूध लेते थे, बस ऐसे निद्रा जाई। लेकिन मन में तीव्र विरह वेदना, राधा रानी की प्राप्ति के लिए उनकी अखिल चेष्टा, तन मन सब कुछ जुगल किशोर के चरण में समर्पित हो करके भगवत भजन में तीव्र व्याकुलता के साथ भजन में लगे हैं, भजन में तत्पर हैं, लेकिन मन में एक प्रबल अशांति, जिस स्थिति पाना चाहते हैं, मन की जो निवृत्ति होना चाहते हैं, वो स्थिति में पहुंच नहीं पा रहे हैं, थोड़ा चंचलता है थोड़ा सा। तो एक दिन प्रेम सरोवर में बल्लभ जी का बैठक है, हमारे गुरु जी तो कोठी नहीं बनाते थे, बनाए नहीं, यहाँ वहाँ तहाँ
बाबा रहते थे, जंगल में कहीं कहीं रह जाते थे, कहीं अपने लिए कोठी बनाए नहीं, जीवन भर अर्थ स्पर्श किए नहीं, जब से घर छोड़े हैं पैसा स्पर्श नहीं किए, कोई घर नहीं बनाए और विचरण करते थे, जत्र तत्र दर से पार हो जाते हैं। तो ऐसे तो गुरु कृपा प्राप्त किए हैं गुरु जी, लेकिन मन में बड़ी अशांति, कोशिश कर रहे हैं दिन नहीं रात नहीं, रात में निद्रा नहीं। हम गुरु जी के पास अंतिम समय में गुरु जी के सान्निध्य में रहते थे जंगल में, सारे दिन उनके साथ ही रहते थे जंगल में एकांत में, कभी हमने निद्रित होने नहीं देखे हैं, एक मिनट के लिए कभी सोते नहीं देखे हैं, जो अभी सो रहे हैं बाबा निद्रा जय, इतना कठोर साधना किए हैं, निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन इतना तीव्र साधन करते हुए भी दिन में एक बार कोई थोड़ा सा फलाहार, फलाहार तो सारी जीवन ही बाबा ग्रहण करते थे, अन्न तो त्याग दिए हैं, घर छोड़ने का बाद गुरुजी ने अन्न त्याग दिए थे, फलाहार ही लेते थे, और वो भी दिन में एक बार थोड़ा सा। हम भी जब गुरुजी के साथ रहते थे सिद्ध अवस्था के बाद, गुरुजी के जब साधना पूर्ण हो गई, जब कृपा करने के लिए विचरण करते थे, उस स्थिति में हम उनके सान्निध्य प्राप्त करने का उनको मौका मिला है, उनकी कृपा से उनका सान्निध्य प्राप्त किए हैं, उनकी कृपा से, हमारी चेष्टा से नहीं, हमारी सुकृति से नहीं, उनकी अहित की कृपा से। तो देखे हैं सारे दिन में संध्या के समय एक बार ये थोड़ा सा कोटू चून के आटा के रोटी, इतना जो पूड़ी होता है ना, पूड़ी उसका भी आधा पतला, ऊपर का जो पतला रहता है ना, वो पतली पतली थोड़ा सा दो टुकड़ा रोटी लेते थे, थोड़ा सा सब्जी पास, हमारे तो एक बार मूंग में आ जाएगा जितना गुरु जी लेते थे, ऐसे करके जीवन धारण करते थे, क्या जाने, थोड़ा सा सुबह थोड़ा सा दूध लेते थे, ये छटक भर कि दो छटक ऐसे दूध लेते थे बस, ऐसे निद्रा जय। लेकिन मन में तीव्र विरह वेदना, राधारानी की प्राप्ति के लिए उनके अखिल चेष्टा, तन मन सब कुछ जुगल किशोर के चरण में समर्पित हो करके भगवत भजन में तीव्र व्याकुलता के साथ भजन में लगे हैं, भजन में तत्पर हैं, लेकिन मन में एक प्रबल अशांति, जिस स्थिति पाना चाहते हैं, मन की जो निवृत्ति होना चाहते हैं, वो स्थिति में पहुंच नहीं पा रहे हैं, थोड़ा चंचलता है थोड़ा सा। तो एक दिन प्रेम सरोवर में वल्लभ जी का बैठक है, हमारे गुरु जी तो कोठी नहीं बनाते थे, बनाए नहीं, यहाँ वहाँ तहाँ बाबा रहते थे जंगल में, कहीं कहीं रह जाते थे, कहीं अपने लिए कोठी बनाए नहीं, जीवन भर अर्थ स्पर्श किए नहीं, जब से घर छोड़े हैं पैसा स्पर्श नहीं किए, कोई घर नहीं बनाए और विचरण करते थे जत्र तत्र, हमारे गुरु ऐसे थे, कोई चिंता ही नहीं, कोई सोचते ही नहीं, मिला नहीं मिला उस पर कोई विचार नहीं। कभी कभी हम देखे हैं खाने के लिए दिया है गुरु जी को संध्या के समय, हमारे गुरु भाई मना के दिया है, तो अधर्मित तो लेते थे, तो उसका तो एक अलग ही इच्छा जागृति होती है गुरुदीप का, अधर्मित तो लेंगे। कभी कभी मुंह में दिए हैं और हमारे गुरु भाई का निंदा नहीं कर रहे हैं, उनका हाथ ही ऐसा था जो कोई भी वस्तु बने वो मुंह में देने लायक नहीं, माने इतना कष्ट होता है खाने में, इतना टेस्टलेस, और बाबा उन्हें कोई रसोईया बना के रखे, और किसी को रसोई करने देंगे नहीं, रसोई करने देंगे नहीं। हमारे सब गुरु भाई लोग आते हैं ना, एक दिन जब प्रसाद पाएंगे ना, दूसरा दिन वहीं से भाग जाते थे, बोले ये खाने लायक नहीं है, यहाँ रहना ही मुश्किल है, कैसे खाएंगे, रोटी खाया नहीं जाता है। गुरु जी ऐसे ही चयन करके रखे हैं, जिस तरह से वैराग हो जाए सबका,
गुरु जी का वही देखे है रोटी या सब्जी मुंह में दिए है, अरे भाई नीमक से जला दिया है, नीमक मुंह में दिया नहीं गया। बाबा एक शब्द नहीं, चुपचाप प्रसाद पा लिया संतुष्टि। तब अदर में तो जी अरे इतना नीमक ये तो मुंह में दिया नहीं जाते, इतना टेस्टलेस ये कैसे गुरु जी खा लिए, नहीं कोई चिंता ही नहीं। और खाने का क्रम नहीं था, जब देते थे ना मान लीजिए भक्त लोग आते थे मिठाई भी दिए, देख मिठाई भी पीछे मिठाई भी दिए हैं, कोरुआ के कुछ वस्तु दिए, खट्टा भी दिए हैं, ऐसे दिए हैं, सब भक्त लोग अपना लाते थे, क्रम नहीं, सामने जो मिला ही मुँह दिए, रसगुल्ला या रसगुल्ला ही थोड़ा सा मुँह में दे दिया, फिर थोड़ा सा कोरुआ उसी को ही मुँह में डाल दिया, थोड़ा सा कोई क्रम नहीं है, हाथ में सामने जो आया वही मुँह में दे देते हैं। हम देखे हैं स्वयं, ये देखो विजय प्राप्त कर लिया अपने चुत पिपाशा के ऊपर, विजय प्राप्त किया जो परमानंद परम धन राधा रानी के प्रेम रस जो अष्टाधन की है, उसको जागतिक दृश्यमान वस्तु क्या सुख दे सकता है उसको। देखिए संतुष्ट जनक रचित, जैसे मिल जाए उसी में संतुष्ट। अनिकता, अनिकत माने जो अपने लिए घर बनाते नहीं आए और ज्यादा दिन एक स्थान में नहीं रहते हैं, इसको कहते हैं अनिकता। नियत आवास रहित स्थिर भक्तिमान, जो ऐसे जो है वो मेरे प्रिय है। तो गुरु जी ऐसे एक महीना के ज्यादा नहीं रहते थे, एक महीना दो महीना, ठंडी के समय सिर्फ तीन महीना रहे, दो तीन महीना रहते थे, मतलब पूष माघ दो महीना, फागुन महीने में चलते थे, ठंडी में वृद्धावस्था थे ना, तो कहीं जंगल में रहना मुश्किल, ऐसे राधाकुंड में रहते, गोवर्धन में भी रहते थे, ऐसे स्थान में रहते थे दो महीना। अनिकता, अनिकता ऐसे कभी हम जब जितना दिन गुरु जी के साथ थे एक महीना डेढ़ महीना बस भाग जाते थे जंगल जंगल, वो भी ये नहीं कोई आश्रम फश्रम नहीं, आश्रम तो था गुरु जी के राधाकुंड में पीछे, लेकिन आश्रम में नहीं रहते थे, कोई पेड़ के नीचे, कोई जंगल में, पेड़ के नीचे जंगल में रहते थे, आश्रम आया नहीं, आश्रम में रहेंगे नहीं। गुरुदेव तो बस मन हुआ उठ के चल देते हैं, किसी को कहेंगे भी नहीं कहाँ जाएंगे, सुबह होते ही उठ करके डंडा लेके चलना शुरू कर देते हैं, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, अरे कहीं जाएंगे, सीतानाथ प्रधान सेवक थे, अरे बाबा आप जाएंगे कहाँ, नहीं नहीं भाई यहाँ रहना नहीं है, मैं जा रहा हूँ, अरे जल्दी जल्दी जा, दो दो मिनट रुकिए, दो मिनट रुकिए, तेरा झोला झंडी कुछ सामान सटल लेकर के पीछे पीछे जा रहे हैं, चलना शुरू कर देते। श्री गुरुदेव इस तरह से कठोर साधना किए हैं, साधना करके प्रेम सरोवर में आए हैं, भजन करते हुए बैठक में वल्लभाचार्य जी के बैठक में, वहाँ वल्लभाचार्य जी स्वयं एक बार आविर्भूत हुए, रात को सो रहे थे, दिव्य सौम्य दर्शन, मुंडित मस्तक, तो बड़े दिव्य दर्शन, कौन है आप, मैं वल्लभाचार्य हूँ, तो प्रणाम किए, साक्षात वल्लभाचार्य जी, तो बोलो कैसे भजन हो रहा, तो गुरुदेव कहते हैं भजन तो हो नहीं, मन चंचल है, भजन होता नहीं, ठीक ठीक चिंतन होता नहीं है। तो वल्लभाचार्य ऐसे कहते हैं कि वल्लभाचार्य ने एक अक्षर एक मंत्र दिए हैं गुरु जी को, इसको तुम जपना, इसमें तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, ऐसा एक मंत्र प्रदान किए हैं। श्री जी गोस्वामी जो थे नवद्वीप के, उनको हमारे गुरु जी कह के गए हैं, श्री जी गोस्वामी ने हमको कहा है ये बात। फिर उस मंत्र जपने के बाद उनका मन बहुत निश्चल हो गया, स्थिर हो गया, शांत हो गया। फिर विठल नाथ जी आए वहीं पर, वही प्रेम सरोवर के बैठक में, विठल नाथ जी ऐसे दिव्य दर्शन देख करके प्रणाम किए, आप कौन है, आप कैसे आई हैं, नहीं मैं विठल नाथ जी हूँ, मैं तुमको एक कंठी देना चाहता हूँ, हाथ में कंठी लेके आए हैं। गुरुदेव देखते हैं ये कौन सा परीक्षा है हमारे लिए, कंठी तो हमारा है, गुरुकरण तो हमारा हो गया है,
मैंने तो कंठी बोलते हैं आशीर्वाद की कंठी हमको नहीं चाहिए, कंठी तो हमारा है, आप आशीर्वाद कीजिए राधा रानी के चरण में, हमारा मन निश्चल हो जाए। तो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद करके अंतर्ध्यान हो गए। फिर वही प्रेम सरोवर में राधा रानी साक्षात गुरु जी को दर्शन दिए, पूर्ण रूप से कृपा की है, शांत हो गए हैं, तृप्त हो गए हैं, निश्चल हो गए हैं, साधना की परिसमाप्ति वो स्थिति राधा रानी कृपा करके उनको प्रेम सरोवर में प्रदान की है। ये कहे गए हैं गोवर्धन के जो प्रियचरण बाबा थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा, हमारे गुरु जी के मित्र जैसे थे। तो प्रियचरण बाबा एक दिन उनसे प्रश्न किए हैं, जी गोसाई जी आप सत्य बात कहिए, झूठ मत कहिए, कहेंगे तो हम जो कहे जिज्ञासा करेंगे आप बोलेंगे तो? बोले हाँ हाँ जरूर जरूर सत्य कहेंगे। बोलिए हम आपको राधा रानी कृपा किए हैं कि नहीं, दर्शन दिए हैं कि नहीं? तो प्रियचरण बाबा जी को कहे हाँ राधा रानी हमको पूर्ण रूप से कृपा किए हैं। तो प्रियचरण बाबा हमको कहे हैं, हमारे गुरु जी हमको कहे नहीं, प्रियचरण बाबा हमको कहे हैं। उसके बाद उनका प्रचार लीला, सब जंगल जंगल रहते थे, अपने मंडली लेकर के गांव गांव में जा कर के हरिनाम प्रचार करते थे, श्रीमद् भागवत प्रचार करते थे, ऐसे इस तरह से कभी राधा कुंड कभी तपोवन, ज्यादातर जंगल में रहते थे, आश्रम में रहते नहीं थे। जब गिरिराज तराटी में रहते थे वहां हमारे आश्रम है, आश्रम में रहते नहीं थे, जंगल में आम गुरु जी के साथ रहते थे, छोटी सी झोपड़ी, जंगल था उस समय, गहरा जंगल था। ऐसा देखे हैं कभी, हम तो बाहर रहते थे, भीतर जाते नहीं थे, गुरुदेव अकेला रहते थे, भीतर में देखते हैं जो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, कैसे कैसे जो कितना जन आए हैं, बात कर रहे हैं, गुरुदेव हंस भी रहे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। हमने कभी कभी सोचे भाई कौन आया, इतने सुबह तो किसी को आना नहीं चाहिए, इस भीतर में प्रवेश करना नहीं चाहिए, गुरुदेव को ऐसे डिस्टर्ब करना तो उचित नहीं। तो नाराज होकर काम जाके देखते थे तो कौन आया है, कोई नहीं, गुरुदेव निश्चल होकर ध्यानस्थ होकर के बैठे हैं, ध्यानस्थ होकर के। ऐसे कितना बार हम भ्रमित हो गए। एक बार नित्यानंद त्रयोदशी था, एक गुफा में बाबा रहते थे, हम तो दरवान थे बाबा का, हम दरवाजे पे रहते थे, कोई आ जाए भीतर प्रवेश कर जाए बाबा को, कोई असंतुष्ट हो जाए बाबा, तो हम वहां रहते थे। एक दिन देखते हैं बाबा बहुत नाराज होके जोर जोर से बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं जैसे किसी से। हमारे सुबह सुबह भीतर कौन प्रवेश करके बाबा का दिमाग ऐसे गर्म कर दिया, बाबा जोर जोर से बोल रहे हैं जैसे खूब असंतुष्ट हो गए हैं। तो हमने गए, सिर्फ दो शब्द हमको सुनने में आया, हमसे ये सब इतना सब हमसे हमारे द्वारा होना संभव नहीं है, हमारे द्वारा होगा नहीं, इतना शब्द तो हम सुन लिया। फिर हम जाते ही बाबा को शांत हो गया। तो हमने सोचा जो ये तो दिव्य लोक का संदेश है, ये तो हमारा अनुप्रवेश है नहीं, होना संभव नहीं, शायद ऐसा होगा नित्यानंद प्रभु आए थे, तुमको और कुछ सबको कल्याण करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मानव कल्याण के लिए तुमको आगे आना पड़ेगा। तो साधक क्या होता है, जब मन निश्चल हो जाता है ना तो प्रचार प्रचार कुछ अच्छा नहीं लगता है उसको, बात करना भी अच्छा नहीं लगता है, भाषण देना भी अच्छा नहीं लगता है, मन इतना निश्चल हो जाता है, वो चाहता है एकांत में रह करके मैं डूब जाऊं भगवत चिंतन में। लेकिन भगवत इच्छा भक्त के द्वारा कुछ कराना चाहते हैं, कुछ प्रचार कराना चाहते हैं, दूसरे का मंगल कराना चाहते हैं।